छत्तीसगढ़ में कांग्रेस टिकट वितरण के लिए लगातार एक्सरसाइज कर रही है। रविवार की मैराथन बैठक के बाद सोमवार को 6 घंटे बैठक चली। इन बैठकों में क्या कुछ रहा खास, आखिर क्यों कांग्रेस की पहली सूची में इतनी लेट लतीफी हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से एक बार सत्ता में वापसी के लिए फूक फूक कर कदम रख रही है। भीतरघात और अंतर्कलह से बचने के लिए कांग्रेस ने अब नई रणनीति तैयार की है। कांग्रेस टिकट वितरण के लिए लगातार मैराथन बैठकें तो कर ही रही है, लेकिन अभी कांग्रेस की टिकट के लिए दावेदारों और कार्यकर्ताओं को लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि पहली सूची सामने आने के बाद ही दावेदारों का गुस्सा फूटने की आशंका है। यही वजह है कि लगातार हो रही मैराथन बैठकों में सर्वे रिपोर्ट से लेकर संभावित प्रत्याशियों के फीडबैक और स्थानीय समीकरणों पर बातचीत तो हो ही रही है, लेकिन नामों के ऐलान के लिए इंतजार के संकेत दिए जा रहे हैं। सोमवार को भी चुनाव समिति की बैठक हुई और फिर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में रणनीतिक मामलों की चर्चा की गई, लेकिन सबसे अंत में 5 वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बैठक सबसे अहम रही। इसी बैठक में नामों पर मंत्रणा कर सिंगल और दोहरे नामों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया की गई। हालांकि बैठक के बाद पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी 8 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सीसी की बैठक होगी, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। दूसरी ओर भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा कि कांग्रेस की टिकट और मौत का कोई भरोसा नहीं है। सभी सीनियर नेताओं ने बैठकर विचार विमर्श किया है और सबने अपनी अपनी बातें अपने अपने सुझाव रखे हैं और उस पर सभी ने मिलकर आगे के लिए बातचीत की है, विचार किया है। आगे जो भी बात होगी, ठोस बात जो भी होगी, हम आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस के टिकट के बारे में ये है कि मौत और कांग्रेस के टिकट का कोई भरोसा नहीं है। आप भी इंतजार करते रहिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। कांग्रेस की लगातार हो रही बैठकों ने दावेदारों की धड़कनें तेज कर दी है, लेकिन पार्टी के भीतरखाने अंतर्कलह और भीतरघात की आशंकाओं को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी करने को लेकर तैयारी कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पहले से सूची जारी कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस की पहली सूची 15 सितंबर के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो सूची का इंतजार जहां प्रत्याशी कर रहे हैं, तो वही कई ऐसे दावेदार भी हैं जो कि 2 से 3 नामों के पैनल बनने को लेकर या 1 नाम का पैनल बनने को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में अब बड़ी चुनौती ये भी है कि जो बैलेंस है ये कैसे बिठाया जाए। सत्ता संगठन, मौजूदा कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, पुराने चेहरे, नए चेहरों के बीच और अंदर खाने के तमाम समीकरणों के बीच। बहरहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।